धार के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में एक बड़ा हादसा हो गया जिससे तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी संतोष दूधी ने बताया कि सहयोग फार्मा कंपनी में सुबह कंपनी के अंदर रखे केमिकल में अचानक आग लग गई। हादसे में करीब चार मजदूर बुरी तरह झुलस गए जो कि अंदर काम कर रहे थे। इनमें एक मजदूर कमलेश तिवारी नामक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। तीन मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए एम्बुलेंस की मदद से मऊ के अस्पताल भिजवा दिया गया है। फिलहाल आग पूरी तरह नियंत्रण में है। आग बुझाने में करीब तीन से चार दमकल की गाड़ी मदद के लिए पहुंची। केमिकल में आग लगने के बाद कंपनी में भगदड़ का माहौल बन गया था। वहीं पास ही की कंपनी कमर्शियल बैंक द्वारा अपनी निजी एम्बुलेंस की मदद से घायलों को उपचार के लिए तुरंत भिजवाया गया। इस दौरान सहयोग फार्मा कंपनी में फायर फाइटिंग के उपकरण पूरी तरह बंद नजर आए। कंपनी के अंदर फिलहाल रेस्क्यू जारी है और भी कई श्रमिकों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आसपास की फैक्ट्री के श्रमिक मदद के लिए पहुंचे। वहीं कंपनी कर्मी स्थानीय लोगों से बहसबाजी करते हुए नजर आए, कंपनी के अंदर जाने के लिए रोकते रहे। साथ ही इस पूरे मामले में कंपनी प्रबंधन कैमरे के सामने आने से भी बचते हुए नजर आया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए धार से रोहित श्रीवास की रिपोर्ट। अभी क्या हुआ हादसा? जैसे मालूम पड़ा मैं कमर्शियल दौड़ के आया, यहाँ देखा तीन आदमी जले हुए थे, धुआं निकला हुआ था, तो तीन को मैंने अपनी कमर्शियल की एम्बुलेंस से मध्य भारत पहुँचाया। अच्छा, कौन सी फैक्ट्री? ये कमर्शियल जंबो बैग बना दिया भाई। नहीं, जिस ये केमिकल की फैक्ट्री बता रहे हैं, केमिकल फार्मा की फैक्ट्री बता रहे हैं। क्या आग लगी है? हाँ, ये मेरे को भी मालूम नहीं अंदर क्या है। आपका नाम बता रहे? ओंकार सालवे, सिक्योरिटी अफसर कमर्शियल। कंपनी में हादसा हुआ है, इसका क्या है, इस कंपनी का नाम और कितने लोग घायल हुए हैं? ये सेक्टर वन में सहयोग फार्मा करके कंपनी है जिसमें दवाई बनती है। तो आज सुबह कुछ सूचना मिली कि शॉर्ट सर्किट के कारण आगजनी हुई जिसमें कुछ केमिकल ने आग पकड़ी है। मौके पर काम कर रहे चार कर्मचारी इसमें झुलस गए हैं, जिसमें एक कमलेश तिवारी करते हैं, उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। घायलों को हमने मध्य भारत अस्पताल मऊ रवाना किया और अभी पूरी तरह से आग नियंत्रण पर। सर, अभी क्या स्थिति है? अभी इसमें आग नियंत्रण पूरी तरह से है और देख रहे हैं किस केमिकल ने आग पकड़ी है और अभी इसकी जांच कर रहे हैं। थैंक यू।